नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम और आपके पसंदीदा शो सितारों का आईना में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं किसी फिल्म, नाम, चेहरे, हस्ती, गाने, ट्रेलर का आईना जो होते हैं उनके दर्शक, जो हर अच्छे बुरे भले को जज करके पहुंचाते हैं उन तक अपने कमेंट्स के जरिए, अपने व्यूज़ के जरिए और अपने प्यार के जरिए, और उसी प्यार को हम अपने इस खास प्रोग्राम में लेकर आपके लिए आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं पहली खबर जो जुड़ी है प्रवेश लाल यादव से। प्रवेश लाल यादव और प्रियंका सिंह की आवाज़ में हाल ही में एक बोलबम का गाना रिलीज हुआ है, जिसके बोल हैं, सुनिए गणेश के डैडी हम ना बनो केहू के कैदी। ऑडियो सॉन्ग के रूप में ये गाना रिलीज हुआ है जिसे दर्शक पसंद कर रहे हैं। प्रियंका सिंह की आवाज़, वैसे भी प्रियंका सिंह की आवाज़ की मिठास से दर्शक कायल हुए रहते हैं, तभी तो पवन सिंह के साथ उन्होंने जो गाने गाए, खेसारी लाल के साथ उन्होंने जो गाने गाए वो हिट साबित हुए, लेकिन प्रवेश लाल यादव भी अपनी किस्मत गायकी में आजमाने लगे हैं। तो प्रियंका सिंह के साथ इनका पहला बोलबम गाना कितना दर्शकों को पसंद आता है ये आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल 50,000 लोग इस गाने को सुन चुके हैं, तो हम इस गाने का ही आईना आज लेकर आपके लिए आए हैं जो हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस गाने से जुड़ी एक खास खबर, उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ चुने हुए सकारात्मक कमेंट्स और कुछ आलोचकों भरे कमेंट्स भी। लेकिन पहले आप इस गाने से जुड़ी, इस ऑडियो सॉन्ग से जुड़ी एक खास जानकारी जान लीजिए। देखिए, अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव ने रहुआ अपनी नेकी, दरिया दिली और अपने खास काम चाहे वो एक्टिंग में के मामले में हो या फिर चाहे डायरेक्शन के मामले में, वे हमेशा सराहे जाते हैं, इसलिए उन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम करवाए हैं। हालांकि कई बार उन पर अवार्ड को पैसे देकर खरीदना जैसे आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन फिर भी इन बातों को नज़रअंदाज कर वे आगे बढ़ते रहे हैं। निरहुआ ने सराहने के लिए उनके फैंस को कई सारी खास बातें हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही असर उनके छोटे भाई पर भी पड़ा है, क्योंकि हाल ही में दिनेश के साथ परवेज ने बॉर्डर फिल्म में डायरेक्शन किया जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है। फिर घूंघट में घोटाला रिलीज हुआ जो अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। इसके अलावा परवेज अब सिंगिंग में भी प्रवेश हाथ आजमा रहे हैं, कहीं ना कहीं परवेज को फ़ायदा मिल रहा है। जी हाँ, अपने प्रोडक्शन हाउस से उनके साथ ही हाल ही में मलेशिया में बेस्ट प्रोड्यूसर के अवार्ड से परवेज को सम्मानित किया गया। प्रियंका सिंह के साथ परवेज का गाना सुनी गणेश के पापा को निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड के से रिलीज किया गया है, जिसमें अभी तक 50,000 लोग उसे देख चुके हैं। जी हाँ, जिसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि बेस्ट प्रोड्यूसर बनने के बाद अगले साल परवेज बेस्ट एक्टर या सिंगर बनने की तैयारी में है। भोजपुरी की मोस्ट अवॉन्टेड फिल्म घूंघट में घोटाला एक लंबे समय के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और आज इस फिल्म को आप लोग बिहार झारखंड के सिनेमाघरों में देख सकते हैं। जैसा कि पहले भी निरहुआ लाइव आकर पवन आम्रपाली के साथ दर्शकों से इस फिल्म को देखने की अनुरोध कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने फेवरेट स्टार की बातों को ये सितारे इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, इसीलिए फिल्म के रिलीज होते ही ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखने पहुंचे और जिनमें भी इन फिल्म को देखा सभी ने फिल्म की खूब जमकर तारीफ की। जी हाँ, बारिश के मौसम में भी लोग छतरी का सहारा लेकर फिल्म देखने पहुंचे हैं, तो आप लोग भी फटाफट सिनेमा घर में जाइए और इस फिल्म को देखिए और इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड से प्रवेश का बोलबम गाना रिलीज हुआ है बीते दिन पहले, जिसे 50,000 लोगों ने देखा। बीते दिन पहले नहीं, एक सप्ताह हो चुका है इस गाने को रिलीज हुए, जिसे 50,000 लोगों ने देखा है। तो चलिए उन 50,000 लोगों में से कितने लोगों को ये गाना पसंद आया है और कितने लोगों ने जमकर अपने कमेंट के जरिए इस गाने की तारीफ की है, वो चुनकर कुछ कमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, पहला कमेंट है आशीष देहाती का, जो लिखते हैं, झक्कास प्रवेश भैया, लव यू। अगला कमेंट पवन यादव का है, जो लिखते हैं, जबरदस्त सॉन्ग प्रवेश भैया। अगला कमेंट सोनू राज ऑफिशियल का है, जो लिखते हैं, सुपर हिट बोलबम सॉन्ग प्रवेश लाल यादव, सुपर हिट बोलबम भोजपुरी। अगला कमेंट एक्शन किंग सत्या का है, जो लिखते हैं, क्या बात है, हर हर महादेव, मस्त सॉन्ग। अगला कमेंट
सूरज कुमार का है जो लिखते हैं, जय भोजपुरी भाई, वेरी नाइस सॉन्ग भाई, लव यू, क्या बात है। अगला कमेंट धर्मेंद्र कुमार का है जो लिखते हैं, सुपर सॉन्ग प्रवेश भाई। अगला कमेंट मोहम्मद सहजाद का है जो लिखते हैं, एक्सीलेंट सॉन्ग्स। अगला कमेंट माही मुकेश यादव का है जो लिखते हैं, मस्त है प्रवेश लाल यादव जी, लव यू भाई जी, माही मुकेश यादव। अगला कमेंट ब्रजेश दी रेबोट का है जो लिखते हैं, अच्छा गाना लगा सुनने में प्रवेश जी, ग्रेट फैन ऑफ निरहुआ। अगला कमेंट राणा प्रताप का है जो लिखते हैं, नाइस सिंगिंग प्रियंका सिंह, योर वॉइस एक्ट इज द मेन रिसेप फॉर ऑल सॉन्ग। अगला कमेंट अरुण बेतह का है जो लिखते हैं, मस्त बा भैया वीडियो का भाई। अगला कमेंट रोहित यादव का है जो लिखते हैं, हर हर महादेव भाई जी, बहुत बढ़िया गाना भैया। अगला कमेंट शिवजी राम का है जो लिखते हैं, प्रियंका मैडम जी, आपकी आवाज भोजपुरी सिंगरों में से सबसे ज्यादा सुरीली है। अगला कमेंट कुंदन राज का है जो लिखते हैं, वेरी नाइस सॉन्ग प्रवेश बाबू। अगला कमेंट राधे मोहन का है जो लिखते हैं, नाइस सॉन्ग प्रवेश भैया। तो ये अच्छे अच्छे कमेंट जाने के बाद वक्त हो चला है उन आलोचकों के कमेंट्स भी जाने का जिन्होंने इस गाने में जमकर कमियां निकाली हैं, इस एल्बम में जमकर कमियां निकाली हैं, या फिर यूं कह लें कि जिन्हें प्रवेश की आवाज पसंद ही नहीं आई और उन लोगों ने क्या सजेशंस दिए हैं देखिए। प्रवेश लाल ने गायकी की शुरुआत बोलबम गाने से सावन से कर दी है, लेकिन बहुत खुशी हो रही होगी उन्हें कि लोग उन्हें इतना हौसला दे रहे हैं, लोग उनका इतना साथ दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में जो गाना रिलीज़ हुआ उस पर बहुत कम लोगों ने आलोचना की है, या सिर्फ ये मान लीजिए कि की ही नहीं है, क्योंकि एक कमेंट ही हमें आलोचना भरा मिला है जो विकास सिंह का है। इन्होंने लिखा है, प्रवेश भाई आपका आवाज़ सही नहीं है। बाकी सभी को लगभग ये गाना ठीक लगा है। कुछ लोगों ने प्रियंका की आवाज़ सुनकर इस गाने की तारीफ़ की है, तो कुछ लोगों ने प्रवेश के हौसले को बढ़ाने के लिए इस गाने की तारीफ़ की है, लेकिन आलोचना भरे शब्द हमें कहीं नहीं मिले। जिसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रोड्यूसर का अवार्ड जीतने के बाद प्रवेश लाल यादव एज अ सिंगर भी लोगों के दिलों में छाने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे सिंगर इंडस्ट्री में हैं जिन्होंने सावन के महीने में ही बोलबम गानों से अपनी करियर की शुरुआत की। इसमें एक अक्षरा सिंह भी हैं जिनकी लोकप्रियता इन दिनों सिंगिंग के मामले में बढ़ती जा रही है, और लगता है अब प्रवेश भी प्रोड्यूसर पर जानने के बाद सिंगर के रूप में भी दर्शकों के बीच छाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये प्रयास किया है पहला, जो दर्शक भी साथ दे रहे हैं। तो देखना आगे दिलचस्प होने वाला है कि बिना आलोचकों के ये बोलबम इनका गाना कितना आगे तक जा पाता है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का बिगुल बज चुका है। दिसंबर में शुरू होने जा रहे इस टूर्नामेंट में 3 टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें मनोज तिवारी 11, निरहुआ 11 और रवि किशन की टीमें आपस में मुकाबला जीतने के लिए मेहनत करती हुई नजर आएंगी। इस लीग के बारे में एक्टर और निर्माता प्रवेश लाल यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक्चुअली मैं पिछले साल जुड़ा था भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग, जिसको BIPL कहा जाता है, इसमें मैं पिछले साल जुड़ा था और पिछले साल ही स्टार्ट किया था। और इसके पीछे मेरी एक ऐसी सोच है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा इवेंट हो जिसे जहाँ पे कि सारे टेक्नीशियन आर्टिस्ट जो भी क्रिकेट खेलते हैं किसी ना किसी बहाने मिले, क्योंकि ऐसे हम लोग सब लोग बिजी हैं, कोई शूटिंग रहता है, कोई कह रहता है, कोई कह रहता है, तो ये 4-5 दिन हम लोग का ऐसा होता है जिसमें कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खेलते हैं, मज़े करते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हम उन लोगों से मिल सकते हैं जिनसे कभी मिल नहीं पाते हैं, जिनसे कभी मुलाकात नहीं होती। ऐसे कमेंट से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा कहते हैं बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, और बेशक से इतने सारे लोगों ने इस गाने की आलोचना की हो, लेकिन उतने ही ज़्यादा लोगों को ये गाना पसंद आया है। तो आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही किसी और फिल्म, नाम, चेहरे, गाने, ट्रेलर, हस्ती, आईना लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। Thank you.
अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।